हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिस्टम मैथ। लेट्स स्टार्ट ए न्यू वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये नाम हमने पहले देखा हुआ, ठीक है। नाइन्थ क्लास में हमने नाम कहाँ देखा था, सेकंड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था पॉलीनोमियल के बारे में, और हमने चैप्टर नंबर सेकेंड में भी पढ़ा है टेंथ क्लास में भी पॉलीनोमियल के बारे में। तो उसमें एक चीज आती थी जिसकी डिग्री अगर क्या है, टू है। क्या है डिग्री? टू है। तो वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या होती थी वो? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, है ना, हुआ करती थी ना क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो कैसी होती थी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल? सपोज को एग्जांपल ले लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड दिस इज द प्लस वन, सपोज ये ले लेते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल थी, कैसी थी? पी ऑफ एक्स, ये हमारी क्या थी? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल थी। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो छोटा सा चेंज करना आपको, इसको इक्वल्स टू क्या रख देना है? जीरो रख देना। क्या रख देना है? इक्वल्स टू जीरो रख देना है। तो ये सब क्या बन जाएगी, क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अब देखो क्वाड्रेटिक, अब उसमें हमने क्या बात करी थी? डिग्री कितना? टू। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? टू। और क्या टू निकलेंगे? जीरोज भी कितने निकलेंगी? टू निकलेंगी, ठीक है। हमने पहले चैप्टर टू में बात करी है, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो होते हैं, उतने ही सॉल्यूशन होंगे, उतने ही आप ये कह सकते हो तो एक्स की वैल्यूज होंगी। समझ में ये बात? तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा अभी और जानते हैं। क्या जानोगे? तो देखो भाई, सबसे पहले ये है क्या, डिग्री टू है हमें पता है, और इक्वेशन है तो इक्वल टू जीरो लगाना है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू इज इक्वल टू सेवन, सॉरी इज इक्वल टू जीरो, क्या रहेगी? जीरो। तो ये क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और क्या है इसमें? वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान देना बच्चों, ये जीरो नहीं होगा, ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ए की वैल्यू जीरो? अब देखो, मान लेते हम ए की वैल्यू जीरो कर देते हैं, एक मिनट के लिए जीरो हम कर देते हैं। तो देखो ध्यान से देखने पर, अगर ये जीरो कर देता हूं मैं तो मल्टीप्लाई करो, जीरो ही हो गए, तो बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब ध्यान से देखना, यहां तो क्या बच गया, x की पावर वन हाईएस्ट हो गई, यानी तो लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? लीनियर। पॉलीनोमियल तो रही नहीं ना, यानी पॉलीनोमियल रहने के लिए इस टर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब a की वैल्यू जीरो नहीं होगी कभी भी। कौन सी इक्वेशन में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हाँ, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, ये दोनों मिसिंग हो सकती है। यहाँ ए बी और सी क्या है? हेयर ए बी एंड सी आर क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। क्या है? कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और यहाँ वेरिएबल कौन यूज हो रहा है? एक्स यूज हो रहा है। समझ में आई बात? वेरिएबल कौन है? एक्स है। कॉन्स्टेंट्स कौन है? ए बी सी है। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, ठीक है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होनी जरूरी है, ठीक है। हम इस पर क्वेश्चन करेंगे अभी, जो 4.1 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से, मतलब हमें क्या दी जाएगी, हमें कुछ इक्वेशन दी जाएगी, उसको सोल्व करने हमें सोल्व करके हमें ये बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि रियल लाइफ कहाँ काम आती है, ठीक है। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? आपके पास एक क्या है, मान लो एक स्कूल को क्या बनाना है, एक मान लेते हैं एक प्रेयर ग्राउंड बनाना है, ठीक है, जहाँ प्रेयर करेंगे वो असेंबली करेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि हमें चाहिए 300 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? 300 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। तो कहते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से चाहिए कि जो लेंथ है, क्या है जो लेंथ है वो दो गुना है। क्या है? लेंथ जो है वो दो गुना है, किससे? ब्रेथ से। तो क्या कहोगे आप? देखो जी, आपको पता है, मान लेते हैं हम इसको लेंथ को, हमारे पास ब्रेथ, ब्रेथ मान लेते हैं हम एक्स, तो लेंथ क्या है ब्रेथ से? दो गुना है। तो दो गुना मतलब ये हो जाएगा, तो ये हो गई हमारी लेंथ, और ये क्या हो गई? हमारी हो गई ब्रेथ, हो गई,
ठीक है। अच्छा एक कंडीशन और डाल दे कि भाई जो लेंथ है वो ब्रेथ से दो ज्यादा है, कब, जब ब्रेथ से दो गुना है, दो गुना है ब्रेथ और दो ज्यादा भी है, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2x+2। दोबारा सुनना, जो लेंथ है वो दो गुना है, लेंथ क्या है, सॉरी लेंथ जो है वो क्या है, लेंथ जो है वो क्या है, दो ज्यादा है, थोड़ा सा पीसी गलत बोल गया, दो ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से डबल होने के बाद। तो ब्रेथ अगर एक्स है तो ब्रेथ ब्रेथ का डबल होने के बाद दो ज्यादा है तो कौन होगी, वो लेंथ होगी। समझ में आई इतनी बात, अच्छा लेंथ होगी तो आप क्या करोगे, उसने एरिया दे दिया, उसने अपनी कंडीशन बता दी, मुझे ऐसे ऐसे लेंथ और ब्रेथ चाहिए। अब आप कैसे ढूंढोगे कि भाई लेंथ कितनी मांग रहा है या ब्रेथ कितनी मांग रहा है, तो देखो कैसे निकलेगा इसका आंसर। तो हमें पता है कि वो रेक्टेंगल शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, 300 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी है हमारे पास, 2x+2, और ब्रेथ कितनी है, एक्स है, 300 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x² + 2x = 300, देन 2x² + 2x - 300, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये क्या बन गई मेरे पास, एक ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सोल्व करते हैं, कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर सेकंड है, क्लास 9th में पढ़ा है, और चैप्टर नंबर जो 10th है उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा है, दोनों भी आप दोनों क्लास में पढ़ती हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो आपको मैं जरूर सिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये बन गई, अब इससे क्या क्या इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो किसकी रहेगी, ब्रेथ हो जाएगी, और वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ लेंथ, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर बंदे को स्कूल के लिए जो क्या खोलना है, अपना प्लेग्राउंड, जो क्या नाम है, असेंबली, वो खोलना चाहता है, यानी असेंबली जो है उसके लिए ग्राउंड चाहता है, उसकी कितनी लेंथ होगी, कितनी ब्रेथ होगी। तो रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं बच्चों जिन्होंने जो है इसके ऊपर काम किया है। ठीक है, तो मतलब इसमें वेस्टर्न भी हैं थोड़े और इंडियन भी हैं, इंडियन में भी जैसे ब्रह्मपुत्र रहा, मतलब फिर उसके बाद जो है आचार्य जी रहे, मीन्स काफी लोगों ने इनके ऊपर काम किया है, इसके ऊपर, और इसको सोल्व करने की कोशिश करी है, और उसी उन्होंने कुछ मेथड दिए हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। यूजुअली 3 मेथड्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी इसी जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसी इक्वेशन को हमें पढ़ना है, इसी इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, इसी इक्वेशन की हमें जीरोज निकालनी है, यानी जो भी काम करूंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही करने वाले हैं। तीन तरीके हैं इसको करने के, इसको सोल्व करने के तीन तरीके हैं, तो तीन कौन कौन से, पहला है बहुत पुराना और आपने किया हुआ है, स्प्लिटिंग मेथड, यानी फैक्टराइज करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा। ठीक है, सेकंड जो रहेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो अभी फिलहाल में जो है सिलेबस से हट गया है। ठीक है बच्चों, सिलेबस से उसको हटा दिया गया है, लेकिन मैं वो जरूर कराऊंगा, क्योंकि थी सिलेबस से अभी हटा है, क्या होता है बाद में फिर से एडिशन हो जाए, तो मैं कंप्लीट करने के लिए उसको कंप्लीट कराऊंगा। फिर उसके बाद लास्ट एंड फाइनल है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा हम इसकी जीरोज या फिर इसकी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, ये इतनी बात समझ में है आपको, कि आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए बस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, ये इसकी यहाँ तक इसकी डेफिनेशन मान के चलना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx c, इसमें टर्म्स कितनी होती है, 3, 1, 2, 3, 3 टर्म्स है, a≠0 है, मैंने बता दिया क्यों है, ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो आप बस हमें इतनी बातों का ध्यान रखना है, अपना चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सी चीज़ और बताऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, क्या बताएंगे हम अभी, आप मैं आपके लिए कोई भी एक इक्वेशन रखता हूँ यहाँ पर, 2x² + -x - 3 = 0। ठीक है, ये मैंने कोई भी इक्वेशन रख दी रैंडमली। ठीक है, ये इक्वेशन है, अब मुझे ये बताओ इसको और इसको कंपेयर करने के बाद, कंपेयर का मतलब है आप इसको देखो एग्जैक्टली, दोनों को देखो। ठीक है, दोनों को देखने के बाद मुझे ए की, बी की और सी की वैल्यू बताओ। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करो और बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सो देखते हैं कैसे, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो ये x² है, यहाँ पर भी x² है, तो x² के साइड में कौन है, ए, और यहाँ x² साइड में कौन है, 2, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई, 2। और मैं आपको मैथ्स की भाषा में बोलूँ,
एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कौन है यहाँ पर, ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशियंट कौन है, टू है, तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई हमारे पास। यहाँ पर देखो बी की वैल्यू कौन है, यहाँ देखो एक्स का कोफिशियंट कौन है, बी, यहाँ एक्स का कोफिशियंट कौन है, वन, कुछ नहीं है तो क्या है, वन, लेकिन साइन है माइनस, तो माइनस वन आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। यहाँ ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे कि यहाँ पॉजिटिव वन लेके चले जाते हैं, जिसका आंसर उनका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है ऐसे सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस थ्री, वेरी गुड, जिन बच्चों ने बोला है बहुत बढ़िया है, क्योंकि थी यहाँ प्लस का है और ये आपको माइनस का लेके चलना है। सो दिस इज द कंपेरिजन, बस आपको कंपेरिजन एक बार पता होना चाहिए था कैसे कंपेरिजन करते हैं, क्योंकि काम आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे तभी कंपेरिजन हमारा काम आएगा, ठीक है। सो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। सो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर वन करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन में जैसे मैंने बताया था, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, किस फॉर्म में होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर इस फॉर्म में अगर मुझे कोई चीज मिलती है, यानी उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए भाई उस इक्वेशन की, अगर डिग्री टू है तो हम क्या मान लेंगे, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो स्टार्ट करते हैं हम, सो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री। अब देखो भाई स्क्वायर करो क्या लग जाएगा, आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, बी की वैल्यू क्या है, वन है, तो यहाँ पर पुट कर दो इसके अंदर, तो x की वैल्यू a की जगह पुट कर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वन और इक्वल्स टू में, यानी देखो ये मैंने इसकी प्लेस पे रखा है, यहाँ रख दिया, और इसके इक्वल टू में क्या, टू, टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, टू टू एक्स, टू एक्स माइनस टू थ्री जा सिक्स। अब यहाँ सोल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन टू इंटू टू एक्स, 2x माइनस सिक्स, आप इधर लेके आ जाओ सभी को, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये प्लस का 2 है, यहाँ आकर माइनस का 2x और यहाँ माइनस का 6, यहाँ आकर प्लस का 6, ठीक है जी। अब क्या करो, सोल्व करो, देखो ये प्लस का 2x है, माइनस का है, तो हो गया कैंसिल आउट, 1 प्लस 6 हो गया 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो देखो भाई ये इक्वेशन बन गई, इसकी डिग्री कितनी है, 2n है डिग्री, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो तीन टर्म है, इसमें नहीं है, इसमें मैंने क्या कहा, अब मैंने आपको बताया था कि b की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो डॉट एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो, तो होगी ना फॉर्म, होगी ना, हम यहाँ क्या मान के चल रहे हैं, b की वैल्यू क्या आई है, जीरो आई है यहाँ पर, तो मतलब हमें डिग्री देखनी है मेन, तो डिग्री कितनी होनी चाहिए, टू है, तो टू है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट करते हैं, अभी नेक्स्ट क्या करोगे, तो देखो नेक्स्ट में क्या है, ये मैं थर्ड पार्ट पहले लिख देता गलती से, तो मैं पहले थर्ड ही ले लेते हैं, पहले थर्ड पार्ट करा रहा हूं, पहले एक्स स्क्वायर माइनस टू, स्क्वायर नहीं अभी एक्स ओनली, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन और यहां से एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री, लो जी मल्टीप्लाई कर लो, अभी आपको आता है ये सब, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स, यहाँ पर आ गया माइनस टू एक्स, यहाँ माइनस प्लस हो गया माइनस टू इंटू वन टू आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किया प्लस थ्री एक्स, अब यहाँ से माइनस एक्स, यहाँ से माइनस का थ्री, वन इंटू थ्री थ्री हो गया माइनस हो गया, ठीक है। अब आप शिफ्ट कर लो एक्स स्क्वायर, यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, ये लिख लिया एज इट इज, अब इन सबको यहाँ लेके आ रहा हूँ मैं, ये प्लस का तो यहाँ कर माइनस का, ये प्लस का यहाँ कर माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का हो गया यहाँ पर आकर प्लस का हो गया इक्वल टू जीरो, जो कटता हो काट दो, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ एक एक्स है प्लस का, यहाँ प्लस का एक्स है, तो कितने हो गए, टू एक्स हो गया, उसके बाद एक ये माइनस का हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए सारे, क्या बच गया यहाँ से मेरे पास, माइनस का थ्री एक्स बच गया, देन यहाँ से माइनस का टू
और ये प्लस का 3, तो बच गया भाई प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। लो भाई ये इक्वेशन बची। इस क्या ये क्वाड्रेटिक की बनेगी? नहीं बनेगी, क्यों? हाईएस्ट पावर क्या 1 है, 2 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या नहीं बन सकती, क्वाड्रेटिक नहीं बन सकती। अब किसी बच्चे को डाउट होगी, सर जैसे आपने पहले 0.y ले ली, x ले लिया था, तो क्या आप यहाँ पर 0.x² नहीं ले सकते? मैंने पहले ही बताया कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब करते हैं हम सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं अभी हम। तो सेकेंड पार्ट क्या है? x² माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 देन 3 माइनस x, ठीक है, वह सिंपल दिख भी रहा है, क्वाड्रेटिक है। x² माइनस 2x, सो 2 3 जा 6 और माइनस 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 हो गया प्लस 2 इंटू एक्स, शिफ्ट कर लो सभी को, माइनस 2x, ये प्लस का 2x यहाँ कर माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 यहाँ का प्लस का 6, एक्स स्क्वायर दोनों नेगेटिव है तो 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज द सेकेंड पार्ट, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या आंसर आएगा? यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? बस हमें क्या करना है, सोल्व करना और चेक करना। द नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5, लो जी सोल्व कर लो, 2x का स्क्वायर x, 6x 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ कितना बच गया अभी माइनस का 5x माइनस का 3, इनको शिफ्ट कर लो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल्स टू 0, कर लो सॉल्व इसको, 2x स्क्वायर में से माइनस गया तो 2x, वन एक्स स्क्वायर बच गया, या माइनस का 5x और यहाँ पर माइनस का 5x, तो माइनस का 10x बच गया, माइनस का 3, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आंसर क्या आएगा? यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई, आई थिंक आप ट्राई कर सकते हो सारे अभी इस तरीके से ही आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं एक दो पार्ट और सोल्व कर देता हूँ, हम फोर्थ पहुँच गए हैं, तो कौन सा पार्ट कर दूँ, ये वाला कर देता हूँ सेवन्थ वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस का स्क्वायर, लो जी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये फॉर्मूला खुल गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या खुला, कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, सबको शिफ्ट कर लो, देन एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस 3x प्लस 1, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4 प्लस का 4x इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये रहेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। अब सॉल्व कर लो इसको, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बड़ी पावर तो कैंसिल आउट होगी 2 की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, 3x प्लस 4x 7x और 1 माइनस करो माइनस का 3, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये? नहीं है, तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, उसके अंदर आपको क्या दे रही, कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन में क्या करना है, सॉल्व करना है और इसे क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है। सो हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कह रहा कि ये जो सिचुएशन दे रखी है ना, इसको मुझे किसमें किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो भाई क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट वगैरह कुछ भी हो, क्या है रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल के शेप में है, उसका एरिया दे रखा है मेरे को कितना 528, यानी अगर मैं यह फिगर बनाऊं, ठीक है रेक्टेंगल प्लॉट है, इसका एरिया दे दिया 528 मीटर स्क्वायर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था वही है, ऐसा कुछ ही है, ठीक है। तो कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर, जो लेंथ है ना, ये कितनी है, एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन
ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस करके उसमें एक जोड़ दोगे ना तो लेंथ के बराबर आ जाए। दोबारा सुनना, कह रहा है कि लेंथ है ना प्लॉट की वो क्या है, एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, ट्वाइस कर दो तो ब्रेथ का, तब यानी अगर ब्रेथ को मैं क्या मान लू एक्स मान लो ब्रेथ को, तो इसका कितना आएगा, ब्रेथ का ट्वाइस, ब्रेथ का ट्वाइस और एक जोड़ दू यानी 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, सॉरी 2x प्लस 1 यानी उसे मैं एक जोड़ दूं तो कितना आ जाएगी वो लेंथ आ जाएगी। अब बताओ अब क्या लिखूंगा मैं, लेट ब्रेथ इज x, ब्रेथ कितनी होगी x, देन लेंथ इज, लेंथ कितनी हो जाएगी उसके बाद 2x प्लस 1, ये क्या हो गई लेंथ हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 528, क्योंकि एरिया कितना होता है 528 है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया दे रखा 520, लेंथ क्या है मेरे पास 2x प्लस 1 इंटू x इक्वल्स टू 528, मल्टीप्लाई कर दो तो x को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2x स्क्वायर, x को 1 से करो x प्लस 528, ये प्लस का यहाँ कर माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, देन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू जीरो। ये कौन सी फॉर्म है भाई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, यानी मैंने इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। यही पूछा है इस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जितने पार्ट करेंगे ना सब में यही पूछा गया है कि जितने भी कंडीशंस दे रखी है ना आपको, ऐसे सिचुएशंस दे रखी हैं उसको मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, सोल्व नहीं करना है अभी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सो कर दिया मैंने, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, अब करते हैं सेकेंड पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट सेकेंड। देखो पार्ट सेकेंड क्या है, बहुत आसान है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, क्या होता है लगातार, क्या होता है लगातार, लगातार दो पॉजिटिव नंबर लगातार, अगर उसका मैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, क्या कर दूं मल्टीप्लाई, दो लगातार नंबर जो कि पॉजिटिव हैं उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आता है 306, 306 आता है, 306 आता है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो दोनों इंटीजर कौन से हैं, तो मैं मान के चलते हैं पहले लेट वन इंटीजर या फिर फर्स्ट इंटीजर, वन इंटीजर क्या है, वन इंटीजर एक्स मान लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक नंबर पाँच है तो अगला नंबर क्या होगा, अब बोलोगे सर फाइव प्लस वन कितना सिक्स, अगर एक एक्स लिया तो दूसरा क्या लोगे एक्स प्लस वन, ठीक है। तो लेट वन इंटीजर इज वन इंटीजर, सॉरी वन पॉजिटिव इंटीजर कितना है एक्स है, देन अदर या फिर सेकेंड अदर कितना लेंगे हम लोग एक्स प्लस वन, दो नंबर आगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से x को आप मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वन से, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है भाई 308, 306 कितना आ रहा है 306 आ रहा है, देन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x को करो x, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस का साइन, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो यहाँ आएगा 306, ये प्लस का पूरा यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, लो जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोलो हो गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया ना, ये था सेकंड पार्ट, अब करते हैं थर्ड पार्ट, बहुत आसान है जी। देखो रोहन्स मदर, रोहन की जो मम्मी है इज 26 ओल्डर देन हिम, तो इससे 26 साल बड़ी है, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एजेस का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कब, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, 3 साल बाद, तो उनकी उम्र कितनी हो जाती है, अगर दोनों की उम्र को मल्टीप्लाई कर दो कितना आंसर आता है 360 आंसर आता है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स परसेंटेज, परसेंटेज निकालनी है तो हम इसी को मान लेते हैं रोहन्स की परसेंटेज क्या है, सो लेट रोहन्स परसेंटेज, परसेंटेज क्या है रोहन की, कितनी है भाई एक्स है, मान के चलना अभी एक्स है और इसकी मम्मी जो है 26 साल बड़ी है, यानी इसकी उम्र में 26 और जोड़ दूं मैं इसकी मम्मी की उम्र आ जाएगी, तो रोहन्स मदर एज कितना x प्लस
नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ। देखो सपोज करो क्या नाम है, आपकी उम्र है 10 ईयर, ठीक है, आपकी उम्र कितनी है 10 ईयर, और आपकी मम्मी जो है आपसे जो है 26 साल बड़ी है। तो 26 साल बड़ी का मतलब क्या है, ये आपकी उम्र है ना, आपकी मम्मी की फिर कितनी होगी, आप 10 जोड़ देना 26 में, कितना आ जाएगी 36 ईयर की हो जाएंगी आपकी मदर। समझ में आ रहा है ना कि आपने आपकी जितने बड़ी होती हैं हम उसमें, अब जैसे मैं कहता हूँ आपका भाई है वो आपसे कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे 1 साल 2 साल, कैसे कंपेरिजन कर रहे हो, उसकी उम्र से अपनी उम्र को माइनस करते रहो, अगर जो बड़ी उम्र का है उसमें से उसको आप माइनस करते हो। जैसे आप मान लो 14 की, आपके भाई 15 का, मैं कहता हूँ आपको भाई कितना बड़ा, आप बोलोगे 15, तो आप बोलोगे 1 साल, कैसे 14 में आप 1 जोड़ दो तो 15 आपके भाई की उम्र आ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से उसकी उम्र अगर एक्स है तो उसकी एक्स प्लस 26 उसकी किसकी होगी, उसकी मदर की हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद रोहन की कितनी उम्र होगी, आपकी 10 साल है मान लेते हैं, आपकी 10 साल उम्र है, 3 साल बाद अभी कितनी उम्र होगी, आप बोलो सर 30, कैसे 10+3 कर दिया, यहाँ एक्स है तो क्या कर दोगे x+3, तो इसकी उम्र बढ़ी तो इसकी मम्मी की उम्र भी बढ़ेगी, तो रोहन्स मदर एज कितनी बढ़ेगी भाई, x+26 तो है ही उम्र उसकी, 3 साल और बढ़ा दो तो कितना हो गया भाई x+29 हो गया जी। अब देखो 3 साल बाद इसकी ये उम्र है किसकी, रोहन की, और इसकी मम्मी की उम्र ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x+3 मल्टीप्लाई करना है x+29 से, तो कितना आता है प्रोडक्ट 360, कर दो मल्टीप्लाई, x किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 29x, अब इसको करो 3x, अब 3 को इससे करो 29 3 87, 360 कितना आ गया, x² कितना आ गया, x² प्लस, और यहाँ प्लस करो कितना है 32x, यहाँ 87 माइनस, अब ये प्लस का यहाँ कर माइनस, तो 360 हो जाएगा, करना इसको x² प्लस 32x, अब ये तो माइनस का आएगा, कितना आएगा इसमें 3 आया 7 एंड यहाँ से 2, तो 273, तो ये मेरे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आया समझ में, था ना इंटरेस्टिंग, आसान सा था, ओके। अब करते हैं फोर्थ पार्ट इसका, सो लेट्स पार्ट, चलो फोर्थ पार्ट एंड फाइनल पार्ट है इस एक्सरसाइज का, वो देखते हैं कैसे है। अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन क्या करती है, ट्रेवल करती है एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम मान के चलते हैं, क्या मान लें, हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम स्पीड को मान के चलेंगे, ठीक है, यानी जो पूछा जाता है उसी को हम लेट मान के चलेंगे, लेट स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन इज एक्स या फिर इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, अभी क्या करता है, ये कहता है कि एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, मान लेते हैं 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड क्या मानी है मैंने x, डिस्टेंस कितना है 480, टाइम कितना है, टाइम t मान लेता हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट पहली कंडीशन में कहानी आ गई कि भाई जब वो 48 जब वो x स्पीड से भागता है तो 480 किलोमीटर चलता है और टाइम लेता है t। अब दूसरी बार में क्या कर, दूसरी लाइन में क्या कहता है ये, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 माइनस मतलब 8 क्या हो जाए, 8 कम हो जाए, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करता हूँ मैं एक बार, x माइनस 8, 8 कम कर दी मैंने स्पीड 480 डिवाइड बाई टाइम के साथ कुछ कर रहा है क्या, देन इट वुड हैव 3 आवर्स मोर, तो जो टाइम है वो 3 क्या ले ले रहा है, वो ज़्यादा ले ले रहा है, टाइम क्या ले ले रहा है, वो 3 ज़्यादा ले रहा है, टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी सेम डिस्टेंस यानी 480 किलोमीटर, वी नीड टू फाइंड द, बस ये लो यहाँ से काम अपना कंप्लीट हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन कैसे निकलेगी वो देखते हैं। देखो भाई इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, x माइनस 8 ब्रैकेट में
ये क्या है, डिवाइड में इधर आकर पूरा मल्टीप्लाई मुझे, तो टी प्लस थ्री इक्वल्स टू 480 हो गया भाई। अब क्या करोगे, एक्स माइनस एट, टी की वैल्यू क्या है, देखो टी की वैल्यू तो ये रहा हमारे पास, यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे आप, यहाँ से ये टी यहाँ पर है, डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो एक्स इंटू टी इक्वल्स टू 480। अब ये एक्स जो है यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, देन एक्स टी इक्वल्स टू 480 बाई एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, टी की। क्यों मुझे टी की चाहिए थी, क्योंकि थी मुझे पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं एक ही वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, तो मैं किसको यूज करूंगा, एक्स को। क्यों पूछा मेरे को, एक्स स्पीड, ठीक है, टाइम पूछा तो मैं टाइम को यूज करता है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से क्या करूँगा, टी की वैल्यू पुट कर दूँगा, तो टी की वैल्यू क्या है, 480 बाई एक्स। देखो मैंने टी के प्लेस पे रखा है, ये टी है ना, यहाँ रखते हैं, प्लस थ्री इक्वल्स टू 480। समझ में आ गया हो ना, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। एक्स माइनस एट, यहाँ से हम लोग एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 480 प्लस 3x। लो जी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब ये पूरा मल्टीप्लाई में सारा ऊपर का, तो ये x क्या डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x माइनस एट 480 प्लस 3x इक्वल्स टू 480 इंटू एक्स। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो करो 480x, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर x को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस कितना आएगा, 0, 64, 6, 32 और 6, 38, 3840 आ गया। नेक्स्ट करो माइनस 8 3 24x इक्वल्स टू 480x। यहाँ तक सोल्व हो गया, अब आगे सोल्व करते हैं। एक बार आप यहाँ से उतार लो, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है, आप इसको उतारो, एक बार पोज करके वीडियो उतार लो, मैं साइड हो गया, ठीक है, हो गया, तब करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, वीडियो पोज करके आप उतार सकते थे, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम सोल्व कर लेते इस इक्वेशन को। सो 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल्स टू 480x। लो जी, ये आपका आ गया, ठीक है। अब क्या करो, शिफ्ट कर लो, इसको भी इधर ले आओ, तो हाइएस्ट पर आगे लिख लो 3x स्क्वायर, देन प्लस 480x, देन ये आ गया माइनस 24x, देन माइनस 3840, ये प्लस का यहाँ कर माइनस का 48x आ गया। लो जी, हो गया जीरो। अब ये प्लस का 480x, ये माइनस का, ये हो गया भाई कैंसिल आउट, ठीक है। अब क्या बच गया, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। वैसे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ चुकी है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, याद रखना कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा ऐसे तीनों कॉन्स्टेंट आ रखे हो, यानी ए बी सी की वैल्यू ऐसे आ रखी हो जो किसी एक नंबर से डिविजिबल हो, तो आप कर सकते हो। तो आप थ्रूली किसको, इसको डिवाइड कर दो, किससे, 3 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को। तो आप 3 से जब डिवाइड करोगे तो कैसे, यहाँ 3 से किया, यहाँ 3 से किया, यहाँ 3 से किया, यहाँ पर भी 3 से करना है, ठीक है। सो 3 से कटा, कितना आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आया 8x, यहाँ कितना आया 1, देन 2, 8, 0, यहाँ तो 0 आएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस कंडीशन को मैंने इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखा दिया है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा 4.1 एक्सरसाइज, वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान थी। अब हम करेंगे नेक्स्ट में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, कैसे, अब तक हमने सोल्व किया ना, अब हम इनकी फिर बाद में वैल्यू निकालेंगे। तो कौन सा मेथड करेंगे हम, स्प्लिटिंग द मेथड, स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइज करेंगे हम लोग, सो नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन एंजॉय द मैथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।